वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लस टू तक की पढ़ाई करने वाले या फिर प्लस टू से पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इस पार्ट की वीडियो में 5 से 10 मिनट का जो स्टार्टिंग पॉइंट मैं हर एक वीडियो में डालता हूँ कुछ नया सिखाने के लिए, वो थोड़ा सा इस पार्ट की वीडियो में थोड़ा सख्ती से बोला गया है। पर अगर आप उस पार्ट को अच्छे से ध्यान से सुनोगे, पूरा सुनोगे, तो समझ में आएगा कि मैंने ये थोड़ा सख्ती से क्यों बोला है। और उसके बाद जो आगे कंप्यूटर का कोर्स जारी है वो सारा का सारा करवाया गया है। अगर आपको समझना है कि मैंने ये पार्ट सख्ती से थोड़ा क्यों बोला है, इसमें 10 से 5 मिनट का स्टार्टिंग पॉइंट क्यों बोला है, तो आप पूरा 10 से 5 मिनट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो पेश है आपके लिए कंप्यूटर बेसिक कोर्स नॉलेज की पार्ट 11 वीडियो। तो ये है कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 11वां भाग। तो अब मैं आपको ये भाग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक या टिप्स या कुछ नॉलेज देता हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसे इस हिसाब से सीख लो ताकि आपको मतलब कि आपके घर वाले आपको कभी उस चीज़ के बारे में डांटे ना या मना ना करे कि आप अब उस चीज़ को मत करो। बार बार आपके घर वाले अगर आपको बोल रहे हैं तो पहले उस चीज़ का आप काबिल बन जाओ। जैसे कि आजकल सब में क्रेज चल रहा है कि पबजी गेम कैसे मतलब खेलें, पबजी गेम खेलने का बहाना ढूंढते हैं, या फिर पबजी गेम के बारे में इतना मतलब कि करते हैं कि वो आपके पेरेंट्स इतना मतलब कि आपसे परेशान हो जाते हैं आपके फ्यूचर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, पर आप नहीं समझ रहे हो उनकी परेशानी। अगर आप गेमिंग ही खेलना चाहते हो, अपना फ्यूचर गेम में ही बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है प्लस टू तक की पढ़ाई। अगर आप प्लस टू तक की पढ़ाई कर रहे हो, अभी स्टूडेंट हो, चाहे 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, या 10th में, 11th में हो, या फिर प्लस टू क्लास में हो, तो सबसे पहले प्लस टू तक की पढ़ाई जरूरी है, स्टडी जरूरी है प्लस टू तक की। तो सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो प्लस टू तक की। और अगर गेम खेलनी है तो 1 घंटा तब खेलो जब आपके पेपर ना हो, यानी कि वेकेशन के दिन, वो भी 1 घंटा कह रहा हूँ, ना कि पूरा दिन लगे रहो। संडे होता नहीं है कि आप पूरा दिन लग जाते हो सुबह से लेकर शाम तक। हालांकि आपको अभी ये मेरी बातें बुरी लग सकती है, शायद आप मेरी वीडियो भी ना देखो तो, पर फिर भी अगर आप ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को, पूरा सुनोगे तो आपको समझ आएगा मेरी बात, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहले प्लस टू तक की पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आप अगर गेमिंग में ही फ्यूचर बनाना चाहते हो ताकि आपका जो फ्यूचर है वो ड्रैको जो और बड़े बड़े गेमिंग प्लेयर्स है, डायनोमो है, जो बाकी कोई भी और हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है गेमिंग प्लेयर कौन कौन से है, ठीक है। तो उसकी तरह अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, YouTube में अपना चैनल बनाना चाहते हो, पबजी से पैसा ही कमाना चाहते हो, मतलब कि पबजी को ही अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले प्लस टू तक की पढ़ाई करो, पास हो जाओ अच्छे नंबरों से। और उसके बाद आप कॉलेज में अपनी ई स्पोर्ट के हिसाब से एडमिशन करवा सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट, यानी गेमिंग स्पोर्ट, यानी कि आप गेम इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको पबजी गेम है जो वो हर रोज खेलनी पड़ेगी। हालांकि सिर्फ पबजी गेम नहीं कह रहा हूँ मैं, हर एक वो गेम होगी आप टेस्ट करोगे, खेलोगे, जो गेमिंग इंडस्ट्री यानी गेमिंग कंपनीज न्यू बनाएगी, नई लॉन्च करेगी, तो सबसे पहले आपके पास आएगी वो गेम टेस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल वर्जन, जैसे कि पबजी गेम है।
तो इसी हिसाब से अगर आप वो खेलना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले प्लस टू तक की पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, और फिर आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो उस गेम के बारे में भी आपको कोई नहीं रोकेगा जब आप पहले अपने पेरेंट्स को खुश करोगे। अगर आपके पेरेंट्स ही खुश नहीं है तो फिर आपको गेम भी खेलने का कोई हक नहीं है, आपको गेम भी नहीं खेलनी चाहिए फिर। हालांकि मुझे पता है कि आप में से कई मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, बंद कर देंगे, गुस्सा करेंगे, शायद डिसलाइक भी कर दें, पर फिर भी अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। मैं भी गेम खेलता हूँ, पबजी कौन सा है मेरे लिए, मतलब कि मुझे कौन सा, डॉक्टर ने मना किया है कि पबजी नहीं खेलनी है, मतलब कि पबजी मैं भी खेलता हूँ, पर मैं सिर्फ उस वक्त खेलता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ या फिर मेरी छुट्टी होती है, क्योंकि मैं अपनी प्लस टू प्लस कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ और अब मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। और ये मैं वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में कोई भी सीखने वाला नहीं है। सिखाने वाले आज के समय में बहुत सारे मिल जाएंगे, पर सीखने वाला आज के समय में कोई नहीं है। आप भी कौन सा मेरी वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे या सुनोगे? मुझे पता है कि आप में से कोई भी मेरी वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुनेगा, पर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई सीखने वाला नहीं है। सिखाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, YouTube में एक सर्च करोगे तो हजारों चैनल आपको उस टॉपिक के हिसाब से मिल जाएंगे सिखाने वाले, पर सीखने वाला कोई नहीं है। अगर आप छांटोगे तो आपको कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो अच्छे से प्रॉपर डिटेल वाइज पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझा रहा हो आपको, पर आप तो उसको उसके बारे में भी नहीं सोचोगे, आप तो उसकी भी मतलब सीखने का जो सिखाने का ढंग है उसको भी आप कहोगे कि अच्छे से नहीं सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सीखने का मन ही नहीं है। पहले तो आपका मन नहीं बन रहा है सीखने का, यानी कि आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है कि कैसे हम मतलब हम सीखना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी मतलब कि इमेजिनेशन कह सकते हैं कि आज के स्टूडेंट्स यानी आज का भविष्य या आज का फ्यूचर वगैरह जो आपको कहते हैं सारे के सारे साइंटिस्ट या लोग या कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब जो आपको कहते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर बनेंगे, हमारा भविष्य हो आप, ठीक है, हमारे आगे आने वाला कल हो आप, पर आप कैसे आने वाले कल बनोगे जब आप इमेजिनेशन खुद की नहीं करोगे, किसी की भेड़ चाल में लगे रहोगे। तो इसीलिए तो कहता हूँ पहले किसी की चीज़ों को सीखो, क्योंकि अगर सीखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अपने आप कोई भी आइडिया नहीं आएगा। पबजी बनाने वाले के पास भी कोई आइडिया तभी आया था जब उसने उस चीज को समझा था, सीखा था, किया था, काम करने के बाद उसने ट्राई किया, फिर जाकर उसे समझ आया कि इस तरह हिसाब से गेम एक हमें भी बनानी चाहिए, तो उसने एक अपनी पबजी गेम स्टार्ट की, जिससे सारी दुनिया में अब पबजी खेली जा रही है, मोस्टली सबसे ज़्यादा इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी अपने इलाके एक अलग से इलाके का नाम नहीं मैंने लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप वो लेवल पाना चाहते हो गेम का, तो आपको पहले प्लस टू तक की पढ़ाई करनी चाहिए जरूरी, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद आप कॉलेज में जाओ, उस पढ़ाई को कंप्लीट करो जो आपको चाहिए, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई आप करना चाहते हो, गेमिंग में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आज के टाइम पे इतनी कॉलेज एडमिशन्स हो रही है गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो, PAU हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, या कहीं पर भी आपकी एडमिशन करने के लिए आप जाओगे तो आपको ई स्पोर्ट के नाम पर कई एडमिशन्स मिल जाएगी, यानी जहाँ गेमिंग इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कई एडमिशन्स, कई ऑप्शंस मिल जाएंगे आज के टाइम पर। हमारे टाइम पर कुछ नहीं था उस वक्त, हमारे टाइम पर टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं, हमारे टाइम पर 2G फोन यानी कि इंटरनेट तक नहीं था, हमारे टाइम पर सिर्फ लैंडलाइन फोन होते थे, मोबाइल भी वो होता था रिलायंस वाला जिसमें इंटरनेट तो ना के बराबर ही होता था,
जहाँ होता भी था, तो 1G के हिसाब से कह सकते हैं, जी जिसको GPRS पहले कहते थे। तो उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप हुई है कि आजकल कोई सीखना ही नहीं चाहता है, कोई भी कोर्स हो, ऑप्शन हो, कोई भी काम हो। पर हमारे टाइम पे उस वक्त सीखना चाहते थे, आइडिया होते थे, इमेजिनेशन होती थी, पर कोई सिखाने के लिए नहीं था अभी उस वक्त। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स से बार बार बातें नहीं सुनना चाहते हो कि है आप बंद कर दो, ये पढ़ाई में ध्यान दे लो, ठीक है, ये नहीं सुनना चाहते हो, तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो और उसके बाद जब फ्री टाइम हो तब खेलो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो कोर्स में, पहले भी इस बेसिक कंप्यूटर की वीडियो के पार्ट्स में कहा है कि बैलेंस जरूरी है, हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, पर वो बैलेंस में होना चाहिए, एक साइड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब कि सारा दिन गेमिंग में नहीं लगे रहना चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है। तो पहले मेन जरूरी है पढ़ाई, दूसरे नंबर पे आती है अपनी खेल कूद, और फिर अगर आप जब कंप्लीट कर लो तो फिर अपने पेरेंट्स को आप कह सकते हो कि अब आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि अब हमारी पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी हो चुकी है, अब हमने यहाँ पर फ्यूचर बनाना है तो हम यहीं पर बनाकर रहेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो, पर पहले अपने लेवल के हो जाओ, क्योंकि अगर आपका लेवल ही डाउन है, यानी कि आपका लेवल ही वो नहीं है गेमिंग वाला, तो आप कैसे कह सकते हो पेरेंट्स को? पहले अपना लेवल बनाओ, यानी कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, अपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ हर एक साल अपने, चाहे वो 10th की क्लास है, प्लस 2 की है, 8 की है, या कोई भी क्लास है, उस हर एक क्लास में आप अच्छे नंबरों से अगर पास होते हो तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि आप हमें नहीं रोक सकते हो अब, क्योंकि हम उस लेवल के हो चुके हैं, अब हम पढ़ सकते हैं, अब हम कुछ सीख सकते हैं। पर वो भी लिमिट का आपने चलाना है, अनलिमिटेड नहीं लग जाना है, ये नहीं कि है अगर हम एक साल पास हो गए हैं, हमें 80% नंबर मिल गए हैं, तो इतना गेम में लग जाओ कि अगले साल सीधा ही 50, 40 या डाउन होके 30% नंबर में आ जाओ। तो इसीलिए आपको लेवल में गेम खेलनी है, बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ये है कि बैलेंस में रहोगे तभी हमारी ये दुनिया सुरक्षित है। अभी तक बैलेंस ही तो बना हुआ है, पर अभी वो भी नहीं रह रहा है। आपको पता ही है मौसम कितनी जल्दी से जल्दी बदल रहा है, सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी हो रही है, आगे बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है, दुनिया शायद आगे इतनी ज़्यादा ना चल पाए जितनी कि हम सोच रहे हैं, शायद 22वीं सदी भी ना आ पाए अगर इस हिसाब से ही बैलेंस बिगड़ जाएगा दुनिया का। तो इसीलिए आप पहले बैलेंस को अपने बनाओ। वीडियो जारी रखने से पहले एक और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर नई वीडियो पसंद आती हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है आप सबकी, मैं अपने तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मुझे इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। आप अगर मेरी वीडियो देखोगे ना तो महीना महीना लेट है वीडियो, क्योंकि मैं अपने मेन काम की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जो मेरा मेन काम है। अगर आप वीडियो सीखना चाहते हो, फ्री में कुछ आपको नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सीख सकते हो, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आज इस वीडियो में थोड़ा रूडली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, ना ही आप सीखना चाहते हो, वो तो जबरदस्ती आपको मैं है बता रहा हूँ कि हाँ भी आप खोल के देखो, सीख लो कुछ, पर मुझे पता है आपका किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने का। अगर सीखने का इंटरेस्ट होता तो अब तक तो है मेरे व्यूवर्स कितने बढ़ जाते, कितने मतलब लाइक आ जाते, कितने शेयर हो जाती वीडियोस, पर आपका सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए मुझे
सिखाने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मैं वीडियो तो जरूर डालूंगा, क्योंकि है मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो होगा जेड़ा मेरी वीडियो को देख रहा होगा। इसीलिए उस एक पर्सन के लिए जो मेरी वीडियो को पूरा देख रहा है, उस एक पर्सन के लिए मैं वीडियो अपनी डालता रहूँगा, अपने चैनल में डालता रहूँगा। हालांकि मेरा चैनल चाहे मशहूर हो चाहे ना हो, मुझे इस चैनल से पैसे आए चाहे ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने मेन काम की तरफ पहले ध्यान दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो डालूंगा। पर उस अपने एक पर्सन के लिए, यानी एक अपने व्यूवर्स के लिए जो मेरी वीडियोस को पूरा देखता है, उस एक व्यूवर्स के लिए मैं अपनी वीडियो के साथ इस चैनल को भर दूंगा। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, हर एक इंफॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल में डालकर रहूंगा। पर अगर आपको भी सबको पसंद आती है तो वो आपकी खुद की मर्जी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके जा सकते हो, वो आपकी खुद की मर्जी है। तो वीडियो को अब जारी रखते हैं, शुरू करते हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स, यानी कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स नॉलेज का 11वां भाग, जो कि है थ्योरी साइड 1। तो शुरू करते हैं हमारा वही पुराना थोड़ा सा सिलेबस जो बचा हुआ है कंप्यूटर बेसिक कोर्स का। तो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ हार्डवेयर। ये भी क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन बेसिक में करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, मतलब कि छोटे, इतने आसान करके बताए हुए आंसर इनके कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक कोर्स है, जो बेस है इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। तो पहला है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें आंसर है ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि हम जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, उन सभी को हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और ईटीसी, जो भी मतलब कि एक्स्ट्रा और हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। All the program or set of instructions loaded inside the computer are called software. यानी कि जितने भी हम program, instructions या कुछ भी हम data enter करके computer के अंदर, यानी inside computer के अंदर load करते हैं, चलाते हैं, उन सभी program से software, उन सभी program instructions को हम software कहते हैं। जैसे कि Microsoft Windows, Word, PowerPoint, Excel, पेंट वगैरह, ETC, ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम में चलाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर के आगे टाइप्स कितने होते हैं, वो भी बेसिक पार्ट का ही हिस्सा है। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, हम बेसिक 5 पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। तो पहला पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा, मतलब पहला पॉइंट ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैं बोलूँगा, और इस हिसाब से कंपेयर करते करते दोनों के पॉइंट हम समझेंगे। तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हम कंप्यूटर के जो ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर को, उनको इस्तेमाल करने के लिए काम में आता है। और आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है यूजर के प्लेटफॉर्म के टास्क के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम यूजर, यानी कि हम अगर अपनी मर्जी से कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो ही हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होता है हार्डवेयर में। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर की ज़रूरत है, यानी कंप्यूटर में जो काम करना है उसकी ज़रूरत है। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर साथ साथ ही इंस्टॉल होता है जब भी हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं या चलाते हैं। तो इस हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
कहा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जैसे पहले ही मैंने बताया कि हमारी जरूरत के अनुसार ही हम इंस्टॉल करेंगे। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ही हम इंस्टॉल करेंगे, उसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगला पॉइंट है, इन जनरल द यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट्स वर्क इन अ बैकग्राउंड, यानी कि हमारे साथ कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी कि वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ही काम करता है। जैसे कि कोई भी काम कंप्यूटर में चल रहा है तो वो सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देखता है अपने हिसाब से। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इन जनरल दी यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हमारी जरूरत के हिसाब से ही चलता है। अगर हमें ज़रूरत है तभी हम चलाएंगे, तो नहीं तो वो बैकग्राउंड में भी नहीं चलता है। तो इस हिसाब से अगर हम चलाएंगे तभी वो सामने चलेगा या बैकग्राउंड में चलेगा, नहीं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। अगला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी आज़ादी से, पूरा आज़ादी से चलता है, जैसे मर्जी वो चलना चाहे, जैसे मर्जी वो काम करना चाहे, पूरी आज़ादी होती है कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। और इसी हिसाब से ही अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा जाए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट बी रन इंडिपेंडेंटली, दे कांट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता है, इसके आज़ादी से अपनी मर्जी से इसे नहीं हम चला सकते, यानी कि इसे हम चला सकते हैं, अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी ये नहीं चल सकता है। अगर हम कंप्यूटर में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं किया है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बिना भी नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करेंगे, यानी विंडो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल करेंगे तभी हम उसमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे। लाइक सबसे आसान अगर समझा जाए तो गेम्स, वीडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, इस हिसाब से ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा MS Word, Office, Excel, PowerPoint, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तभी चलेंगे अगर हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो विंडो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाकी के जो हम अपने हिसाब से चलाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी चलेंगे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। तो सम एग्जांपल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर और ड्राइवर ETC वगैरह, इसमें विंडोज भी होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ETC वगैरह। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS Word यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, या ETC और भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये जो नोट्स सारे मैं आपको करवा रहा हूँ, बेसिकली ये सारे के सारे अगर आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स को याद रखने के लिए। तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें लिखा है कि हम कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की सर्कल के साथ, जिसे हम IPO भी कहते हैं। तो IPO सर्कल में सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट में जब हम कोई भी कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, चलाते हैं, तो उन सभी डिवाइसेस के हिसाब से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह के हिसाब से जब हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं, तो उन सबको हम इनपुट कहते हैं। तो इनपुट देने के बाद जो भी कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म या CPU में परफॉर्म होता है, जो भी कंप्यूटर डाटा में चल वर्क करता है, तो वो सारा का सारा CPU में जो चलता है, उन सबको हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेसिंग जो होता है।
तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हम देखते हैं आंसर मिलता है, जो फाइनल प्रोसेसिंग के बाद हमें मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में दिखाई देता है, उन सभी को हम आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर में देखना हो, प्रिंटर में देख मिलता है, या स्पीकर में हमें कोई सुनाई देता है साउंड, तो वो सारा का सारा आउटपुट होता है। डू यू नो डैट इन आर डेली लिव टू वी परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज डैट रिसेंबल विद द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। लेट्स लुक एट सम दीज एग्जांपल्स। यानी कि आप जानते हो कि हम अपने जितने भी डेली वर्क में या फिर हम काम करने वाले में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उन सब में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट सर्कल चलता है। यानी कि आईपीओ सर्कल हम अपने डेली लाइफ में, हम डेली वर्क में हर जगह काम करते हैं। अकेला कंप्यूटर के सब्जेक्ट में नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से काम करने वाले वर्क सारे के सारे आईपीओ सर्कल के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल तो दिए हुए हैं कि हम अगर गाड़ी को रोड पे चलाना हो तो पहले हम इनपुट देंगे उस गाड़ी को, यानी कि पेट्रोल या डीजल, फिर बाद में प्रोसेस करेंगे, यानी कि कोई उसका इंजन है जो स्टार्ट करेंगे, जिससे वगैरह पेट्रोल जो हमारा वर्किंग पे आएगा चलेगा, तो उसके बाद जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा रिजल्ट, यानी कि हमारी कार चलने लग जाएगी, जो कि रोड पे चल रही हम देख पाएंगे। तो अगला एग्जांपल इसी हिसाब से कि पैसे हम एटीएम से निकालना चाहते हैं, तो पहले हम कार्ड और एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे एटीएम मशीन में, तो ये सारा इनपुट देंगे, उसमें इनपुट भरेंगे करेंगे, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग है, जो एटीएम मशीन में वर्किंग करता है, चलता है, ठीक है, अमाउंट वगैरह भरने के बाद जो पैसे काउंट करके हमें निकाल के देता है, और उसके बाद जब हम कलेक्ट कर लेते हैं वो हमें मिल जाता है आउटपुट। तो इस हिसाब से ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा जो इनपुट है, जो हमें कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को देते हैं, उसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी के वर्किंग में चलता है, जो सारा का सारा वो सीपीयू के अंदर चलता है। तो सारा सीपीयू में वर्किंग होने के बाद, यानी प्रोसेस होने के बाद, जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, आउटपुट मिलता है, वो हमें मिलता है मॉनिटर या फिर प्रिंटर में। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर छोटा सा। तो इस हिसाब से जो कि सीपीयू के डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स है, जो कि वर्किंग में आते हैं, उसे हम ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहेंगे पहला, जिसमें हम ऑल पार्ट वगैरह कंपेरेंस कंप्यूटर के हिसाब से वर्किंग में करते हैं, सारा का सारा सीपीयू में जो वर्क होता है उसी हिसाब से। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जिसमें सारा कंप्यूटर में फीचर्स या कंट्रोल पार्ट्स या डाटा स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन करना है, सारा का सारा वर्किंग जो है पूरा का पूरा सीपीयू डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आगे जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको आईपीओ सर्कल के बारे में ही समझाया गया है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे कि हमने डाटा लिया है दो, नंबर दो और नंबर तीन, यानी कि नंबर टू और नंबर थ्री, उसे हम प्रोसेसिंग करेंगे किसी भी हिसाब से, चाहे उसे एडिशन कहे या फिर कोई भी ऑप्शन के हिसाब से हम उसे प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि डिवाइडर, एडिशन या सबट्रैक्ट या कोई भी। तो उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट मिलता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये बताया गया है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर के मदद से गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट हमारे कंप्यूटर की मदद से कैसे काम करती है, कंप्यूटर की मदद से कैसे गवर्नमेंट आगे हमारे आंसर जवाब देती है, जा देखती है, डाटा प्रिपेयर करती है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हम अगर बेसिकली घर में ही लगाना है तो हार्डवेयर की कैसे कैसे वायर लगाएंगे, कैसे उसकी मतलब कि अटैचमेंट करेंगे। तो उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जो पॉइंट मैंने लास्ट में आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी में, कि उस पॉइंट का पूरा एग्जांपल आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा साइड वन यानी कि थ्योरी
जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो खत्म हो जाएगा। हालांकि साइड वन तो चलती रहेगी साथ साथ कंप्यूटर के कोर्स के, जितना तक कंप्यूटर का कोर्स खत्म नहीं होता सारा का सारा, पर फिर भी साइड वन जो स्टार्टिंग में आपको जानना चाहिए वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइड टू यानी कि प्रैक्टिकल। मुझे पता है कि थ्योरी किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी अगर आप थ्योरी का मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सारी की सारी थ्योरी वीडियो अगर समझी है तो आपको प्रैक्टिकल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा इसी थ्योरी वीडियो में कि सारा का सारा कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर कैसे चलता है, और फिर आप प्रैक्टिकल आसानी से कंप्यूटर को चलाएंगे और वर्किंग में करेंगे। तो मैं दोनों बराबर बैलेंस बनाकर ही आपको काम करवा रहा हूँ। हालांकि पहले थ्योरी ज़्यादा हो गई है पर अब प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी। तो अगली वीडियो भी शायद थ्योरी की होगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो थ्योरी की हो चाहे ना हो, पर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो आपकी प्रैक्टिकल होगी, ये तो कन्फर्म है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।